बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक होंगे। अल्लाह पाक ऐसे ही हंसता मुस्कुराता हुआ खुश और आबाद। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी है कौरमे की, बहुत ही ज़बरदस्त और दानेदार कौरमा हम कैसे अपने घर में बना सकते हैं, अपने घर में मौजूद मसालों के साथ बनाएंगे और बहुत ही आसान सा तरीका आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। हर कोई इसको ईजिली बना सकता है और बहुत ही टेस्टी ये बन के तैयार होता है, तो एक बार ज़रूर इस रेसिपी को फॉलो कीजिएगा, सभी को बहुत पसंद आएगी। और एक बार ट्राई करके मुझे ज़रूर बताइएगा, अपना फीडबैक दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करते हुए जाइएगा। तो यहाँ पर देखिए, हमने ले लेना है सबसे पहले बीफ, तकरीबन है ये वेट में हाफ के जी होगा, और इसके अंदर हमने पहले सबसे पहले इसको मैरिनेट करना है। तो डिफरेंट सा तो तरीका है ये कौरमा बनाने का, लेकिन बहुत ही आसान सा है। तो इसके अंदर हम डाल देते हैं 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का हमने पेस्ट डाल देना है, और उसके बाद 1 कप हमें दही चाहिए। दही हमारे पास बिल्कुल स्मूदी सा होना चाहिए। अब यहाँ पर देखिए कुछ खड़े मसाले हैं, तो यहाँ पर मेरे पास बे लीफ है वो ऐड कर देते हैं। यहाँ पर काली मिर्च है तकरीबन 1 टीस्पून वो डाल देते हैं। ज़ीरा है 1 टीस्पून, 2 बड़ी इलायची हैं, 2 दालचीनी के टुकड़े हैं, 4 से 5 छोटी इलायची हैं और 3 से 4 मेरे पास लौंग है। अब ये बाकी के जो मसाले हैं, जायफल जावित्री है और लौंग है, और मेरे पास ये छोटी इलायची मज़ीद और 5 ही, इनको हमने पीस लेना है। ये बहुत अच्छी सी खुशबू देता है इस कौरमे के अंदर। अब यहाँ पर हम डालते हैं पाउडर मसाले। 1 टेबल स्पून कश्मीरी लाल मिर्च डाल दी है, 1 टेबल स्पून हमने डाल दिया है लाल मिर्च रेगुलर जो होती है, 2 टेबल स्पून हमने यहाँ पर डालना है पिसा हुआ धनिया, 1 टीस्पून हमने यहाँ पर डाल देना है हल्दी का पाउडर, और इसके अलावा 1 टीस्पून मैं यहाँ पर नमक ऐड करूँगी। बाकी आप नमक और मिर्ची अपने टेस्ट के हिसाब से भी डाल सकते हैं। अब यहाँ पर मैंने ऑयल डाल देना है, ऑयल मेरे पास वही है जिसके अंदर मैंने प्याज को ब्राउन करके निकाल दिया था। तो यहाँ पर 1/2 कप हमने ऑयल ऐड कर दिया है, और इसको अब हमने हाथों से मिक्सिंग करनी है। हाथों से मिक्सिंग काफ़ी अच्छे से हो जाती है, इसलिए हाथों का यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए अच्छे से इसको हमने मिक्स कर दिया है। अब इसको हम कवर लगा देते, छोड़ देते हैं तकरीबन 1 घंटे के लिए। 1 घंटे के अंदर हमारा काफ़ी अच्छे से ये मेरीनेट हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, ये मेरे पास है कोकोनट क्रश किया हुआ है और कुछ मखाने हैं मेरे पास 12 से 15 अदद। अब यहाँ पर 3 प्याज हैं ब्राउन कीवी। अब इनको हमें क्या करना है, इनको हमने कूट लेना है, पीसना नहीं है, कूटना है। दरदरा सा जो कूटते हैं ना हम, इमाम दस्ते में कूट लीजिए आप, या फिर चॉपर में चॉपराइज कर लीजिए। लेकिन उससे पहले हमने इस खोपरे को और मखानों को जो है रोस्ट कर लेना है। रोस्ट करने से ये जो है ग्राइंड भी अच्छे से हो जाएंगे, अच्छे से क्रश हो जाएंगे, और इनका फ्लेवर भी और खुशबू भी बहुत ही अच्छे से आएगी। तो बिल्कुल सिमर फ्लेम पर हम इसको रोस्ट कर लेंगे। रोस्ट करने से इसका जो थोड़ा सा कलर आएगा ना ब्राउनिश, तो वहाँ पर हमने रोक देना है। तो यहाँ पर देखिए कलर इसका चेंज होने लग गया है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं मखाने उठाकर भी ये थोड़े हार्ड हो जाएंगे और आराम से टूट सकेंगे ये, ठीक है। ये ज़रूरी है आपको करना ये वाला स्टेप। अब इसको हम निकाल देते हैं और इसको प्याज के साथ ही हमने कूट लेना है, क्रश कर लेना है। इसको साइड पे करते हैं, अब रख देते हैं अपना ही जो हमने मैरिनेट किया हुआ बीफ रखा था, उसको हमने चूल्हे पर रख देना है। बिल्कुल मीडियम टू लो फ्लेम कर हमने इसको तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए कुक करना है। यहाँ पर देखिए एक दफ़ा मैंने इसको चला दिया है, अब मैं इसको एक बार फिर कवर लगा देती हूँ और मीडियम टू लो फ्लेम करके इसको मैंने 15 से 20 मिनट के लिए कुक होने के लिए छोड़ देना है। अब यहाँ पर देखिए 20 मिनट हो चुके हैं, अब मैं इसका कवर हटा देती हूँ, तो इसके अंदर थोड़ा पानी अभी बाकी होगा। तो यहाँ पर देखें कवर हटाते हैं, तो बहुत ही अच्छी सी अभी से ही खुशबू आ रही है। अभी इसका तो हमने खुशबूदार मसाला ऐड भी नहीं किया है, लेकिन अभी से ही बहुत ही अच्छी सी खुशबू आना शुरू हो गई है। तो यहाँ पर देखें इसमें अंदर पानी भी बाकी है, गोश हमारा अभी भुना नहीं है, तो हमें फ्लेम को थोड़ा सा हाई करना है और इसको चलाते हुए भून लेना है। जब तक भुनेंगे इसका पानी जो है ड्राई ना हो जाए। गोश हमारा तकरीबन यहाँ पर 70% कुक हुआ है, तो यहाँ पर देखिए इसको मैं चलाती जा रही हूँ और इसकी हमने भुनाई कर लेनी है चलाते हुए। यहाँ पर इसका पानी जो है बिल्कुल ड्राई हो जाएगा, और उसके बाद इसके अंदर हमने मज़ीद और पानी ऐड करना है। तो यहाँ पर हम भुनाई अच्छे से करेंगे, भुनाई अच्छे से करेंगे तो हमारा जो कौरमा बनेगा बहुत ही टेस्टी बनेगा। अब यहाँ पर देखिए मैंने इसको भून लेना तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए। खुश्क होने के बाद अब मैंने पानी डाल दिया इसमें 2 कप। अब यहाँ पर देखिए मखानों को, खोपरे को और मैंने प्याज को एक साथ कूट लिया है,
अच्छे से कूट लिया है इसको, बिल्कुल दाना दाना बन गया है इसका, तो वो हमने इस पानी के अंदर अब ऐड कर देना है जो हमने कोरमे के अंदर डाला है। अब यहाँ पर देखें, जो हमने दूसरे मसालों का खुशबूदार मसाला पीसा था उसका आधा हिस्सा हम अभी डाल देंगे और आधा हिस्सा हम इसको जब ये कुक हो जाएगा, बिल्कुल रेडी हो जाएगा, तब ऐड करेंगे। अब यहाँ पर देखें, इसको हमने चला लेना है और एक बार फिर मैं कवर लगाऊंगी मैं और इसको छोड़ दूंगी 25 से 30 मिनट के लिए, ताकि जो गोश्त में कसर रह गई है ना वो भी अच्छे से, गोश्त हमारा गल जाए। तो यहाँ देखिए आधा घंटा हो चुका है और इसमें जो है पानी भी काफ़ी सारा रिड्यूस हो गया है। अब यहाँ पर देखें इतना ही इसके अंदर पानी है जितना हमें चाहिए। तो यहाँ पर देखें काफ़ी अच्छी से इसकी ग्रेवी बन चुकी है, तो और अब गोश्त भी जो है हमारा काफ़ी अच्छे से जो है टेंडर हो चुका है। अब यहाँ पर जो हमने खुशबू वाला मसाला बचा लिया था ना वो ऐड कर देंगे। अब इसके अलावा यहाँ पर हम ऐड कर देंगे केवड़ा वाटर, जो कि काफ़ी अच्छा सा खुशबू देता है। रियल कोरमे की जो देगी कोरमे की खुशबू आती है ना वो इसी से आएगी। अब यहाँ पर देखें हमने केवड़ा वाटर डालकर इसको मिक्स किया है। अब इसको बिल्कुल मैंने सिमर फ्लेम पर छुड़ा हुआ है ताकि ऑयल जो है इसका सेपरेट हो जाए और इसका दाना दाना अलग से नज़र आने लगे। तो इसको मैंने ऑयल को सेपरेट करने के लिए मज़ीद इसको दम लगा देना है 1 मिनट का। दम लगाने के बाद आप देखें बिल्कुल ये रेडी हो चुका है हमारा कोरमा, देगी कोरमा है। तो आप ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा, सबको बहुत पसंद आएगा। तो उम्मीद करती हूँ आपको रेसिपी अच्छी लगी होगी, तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा।